तो हम लोग हीमोफीलिया कर रहे थे, ठीक है, और आपने अपनी तरफ से कुछ एनालिसिस किया है आप लोगों ने? मैंने कहा था एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इसको एनालिसिस करना। तो हम पढ़ रहे थे केस नंबर वन, ठीक है, केस फर्स्ट, बहुत सारी केसेस हैं। इस केस में जो मदर है वो बाहर से नॉर्मल अपीयरेंस देगी, मतलब बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखेगी, और एक्चुअली शी इज अ कैरियर। बिकॉज कैरियर होने का क्या मतलब है कि हमने ये कंडीशन भी पढ़ी थी कि ये जो हीमोफीलिया होता है इसमें ये जो एक जीन होता है, या अलील, बेटर इफ यू से अलील, ये अल्टर हो चुका है, ठीक है, ये म्यूटेट हो चुका है। तो यहाँ पर जब फीमेल की बात हो रही है तो फीमेल में दो कॉपीज होती है एक्स क्रोमोसोम की, और एक्स क्रोमोसोम की दो कॉपी होने की वजह से, क्योंकि ये जो अल्टर्ड जीन है वो रिसेसिव है, तो फीमेल के पास दो कॉपी है, तो ये भी अपना प्रोटीन बनाएगा, ये भी अपना प्रोटीन बनाएगा, बट ये रिसेसिव है, जो अल्टर्ड फॉर्म है, जो बदली हुई फॉर्म है, दैट इज अ रिसेसिव फॉर्म। सो इसकी वजह से क्या होगा कि एक्सप्रेस जो है वो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिसेसिव है और नॉर्मल जीन ही क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। तो नॉर्मल जीन रखने की वजह से कैरियर तो है, क्योंकि ये म्यूटेटेड अलील जो है वो कैरी कर रही है, लेकिन जो नॉर्मल अलील है वो ही एक्सप्रेशन में जाएगा। और मेल के साथ दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो ये कंडीशन पे हो सकता है या वो ये कंडीशन पे हो सकता है। अगर ये कंडीशन पर है तो जो जो रिसेसिव उसको अलील मिला है उसे वही एक्सप्रेस करना है, उसको वही दिखाना है, तो वो डिजीज दिखाएगा, क्योंकि ये जो म्यूटेटेड है अलील जिसमें डीएनए में चेंजेस हो चुके हैं म्यूटेशन की वजह से, उसे यही दिखाना है। और या फिर सही वाला मिल गया उसको तो उसको ये दिखाना है। लेकिन फीमेल के पास ऑप्शन है कि अगर दोनों अलील आए हैं तो वो क्या कर सकती है, ये वाले उसके जो बॉडी में अलील्स हैं वो हाइड हो जाएंगे, तो उसे हीमोफीलिया का सिम्टम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो चीज हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं केस फर्स्ट, ठीक है, दिस इज अवर केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में क्या था कि जो मदर थी वो एक अलील उसे मदर के पास म्यूटेटेड था और एक नॉर्मल था, तो मदर खुद की लाइफ में तो नॉर्मल होगी, मतलब ये जो रिसेसिव है ये एक्सप्रेस नहीं होता, हमें पता है रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होता डोमिनेंट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा तो बाहर से तो नॉर्मल दिखेगी, लेकिन अंदर से ये फीमेल कैरियर है, कैरियर मतलब बीमारी को कैरी करने का काम कर रही है, खुद नहीं है, खुद दिखा नहीं रही है, नहीं दिखाएगी वो सिम्टम्स, ठीक है। और मेल नॉर्मल ही है, तो इनके बच्चे जो है वो हमने चार प्रोजेनीज निकाली है। अब देखो एक्स एक्स गर्ल होती है, आपको पता है, ठीक है, एक्स एक्स गर्ल होती है, एक्स वाई मेल होता है और एक्स वाई मेल होता है, ठीक है। तो इनके दो बेटा है, दो बेटियां हैं, ठीक है, रेशो आपको हमेशा ऐसे ही निकालना है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि ये जो दोनों जो मेल है, ये जो दो एक फीमेल है, ये फीमेल नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल क्यों है ये फीमेल, एक तो नॉर्मल है और दूसरा कैरियर भी नहीं है, एक तो नॉर्मल है और एक कैरियर भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नॉर्मल है, क्योंकि और इसके दोनों अलील्स जो है वो कौन से हैं, नॉर्मल वाले, हमने ये पढ़ा ये नॉर्मल अलील है और ये डोमिनेंट है, तो कैरियर भी नहीं है, ये किसी तरीके का आगे कैरी करने का काम नहीं करेगी, इसका अलील कैरियर कैरिंग क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये बीमारी आगे की तरफ नहीं ले जाएगी, नॉर्मल है। ये फीमेल बिल्कुल उसकी मदर की जैसी है, यानी कैरियर तो है, कैरी तो कर रही है बीमारी को, ठीक है, और साथ में क्या है, खुद तो नॉर्मल दिखेगी, खुद तो नॉर्मल इसलिए दिखेगी बिकॉज ये जो इसके साथ करप्टेड अलील आ गया, ये जो ग्रीन कलर का सिंबल है, जो करप्टेड अलील आ गया है इसके पास, ठीक है, ये जो करप्टेड अलील आ गया है, तो इस करप्टेड अलील को क्या करेगी, नॉर्मल अलील से क्या करेगी, हाइड कर लेगी, तो ये रिसेसिव और करप्टेड है और ये नॉर्मल है और डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से क्या करेगी, ये हाइड हो जाएगा, तो बीमारी आगे तो फैला सकती है ये, ठीक है, लेकिन खुद नहीं शो कर रही। ये जो मेल है बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि इसके पास नॉर्मल अलील आया और इसके पास ऑप्शन ही यही है, क्योंकि एक्स वाई है तो डोमिनेंट रिसेसिव का सवाल ही पैदा नहीं होता, एक ही अलील मिला है इसको और दूसरा वाई है, वाई पे कोई दूसरे अलील है, क्योंकि आपने देखा है कि क्रोमोसोम का पैटर्न ही अलग होता है, एक्स वाई बहुत अलग होता है आपस में, ठीक है। तो ये है तो इसको यही दिखाना है, और ये है तो इसको यही दिखाना है, फीमेल के पास तो दो थी, ठीक है। तो ये जो हम टर्म जो पढ़ेंगे ना, हमने दो तरीके की डिजीज पढ़ी है बेटा अभी तक, हमने दो तरीके की कौन सी डिजीजेस पढ़ी है, एक डिजीज तो पढ़ी हमने ऑटोसोमल, ठीक है, वो मेल फीमेल दोनों में होती है, और एक हमने जो पढ़ी है वो पढ़ी है सेक्स लिंक्ड, और दोनों चीजों में एक कॉमन चीज पढ़ी है दोनों में कि डोमिनेंट और रिसेसिव, और यहां पर भी पढ़ी है डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है, यही चीज पढ़ी है, ठीक है।
और डिजीज क्यों होती है, जब अलील क्या हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, या अलील क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, म्यूटेट हो जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो डोमिनेंट अलील वो है कि जो म्यूटेशन हुआ है, जो म्यूटेशन हुआ है वो डोमिनेंट है, जो अलील बदला है वो डोमिनेंट था, ठीक है। नॉर्मल्स है, एक तो नॉर्मल चल रहा था हमारा, ठीक है, ये नॉर्मल मान रही हूँ मैं, सेक्स लिंक मान रही हूँ, ठीक है। तो ये 22 क्रोमोसोम पे होगा, किसी 20 पे, किसी एक पर, 20 जो हमारे क्रोमोसोम से पेयर, उनमें से कोई, बहुत सारे उसके ऊपर अलील्स प्रेजेंट है अपने 22 क्रोमोसोम पर सब में, क्योंकि मेल फीमेल में 22 क्रोमोसोम सेम होते हैं, एक्स वाई अलग होता है, बस ये वाला अलग होता है, बाकी तो सब सेम ही होते हैं ना। तो इन 22 क्रोमोसोम्स पे कोई अलील थे, आइस का, नोज का, ईयर का, बहुत सारे कैरेक्टर थे जो मेल फीमेल में सेम होते हैं, उनमें से कोई अल्टर हो गया, चेंज हो गया। अब वो चेंज हुआ या तो वो नॉर्मल पे डोमिनेंट था, या नॉर्मल पे क्या था, वो रिसेसिव था, या तो नॉर्मल से डोमिनेंट था, नॉर्मल से रिसेसिव था। और सेक्स लिंक जो हमने पढ़ा है वो जेंडर पे था, यानी वो किस पे था, एक्स पर होगा, किस पर होगा, एक्स पर होगा, ठीक है। और एक्स पर होगा तो वो भी डोमिनेंट है, मतलब अल्टर हुआ हुआ या तो नॉर्मल से डोमिनेंट है, या फिर नॉर्मल से क्या है, वो रिसेसिव है, ठीक है। तो कल हमने जो बीमारी पड़ी थी, दो बीमारी पड़ी थी, एक तो हमने पढ़ा था मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, और एक हमने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया। तो इसका जो अल्टर्ड अलील है ये ऑटोसोमल है, क्योंकि 22 क्रोमोसोम पर कहीं किसी क्रोमोसोम पर अल्टर्ड हो गया, जीन बदल गया, ठीक है। तो मेल फीमेल दोनों में होगा, ये दिख रहा है, ये फीमेल है और ये मेल है। तो ये जो है ये अल्टर्ड फॉर्म है, मतलब जो जीन बदला, जो अलील बदला है वो नॉर्मल से मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में वो नॉर्मल पे डोमिनेंट है, ठीक है। तो जो म्यूटेटेड अलील है वो डोमिनेंट है, और जो नॉर्मल अलील है वो रिसेसिव हो गया, ये म्यूटेशन वाला जीतना वाला हो गया, ऐसा ये चेंज हुआ कि ये जीतेगा। और जो सिकल सेल एनीमिया था उसमें म्यूटेटेड था एक तो, और एक नॉर्मल था, तो नॉर्मल अलील तो हो गया है हमारा डोमिनेंट, और जो म्यूटेटेड है जिसमें म्यूटेशन हुई है, जिसमें चेंज हो गया, वो रिसेसिव हो गया, ठीक है। तो ये कैसे भी पैटर्न पे जा सकता है, अल्टर जो हुआ है ना, जो चीज चेंज हो रही है, जो अलील चेंज हो रहा है, जिस अलील में म्यूटेशन आ रही है, वो अलील डोमिनेंट वो बन के भी अल्टर हो सकता है, मतलब नॉर्मल से जीत जाए और नॉर्मल से हार जाए, ठीक है। और वो ऑटोसोमल भी हो सकता है, सेक्सलिंग भी हो सकता है। तो हम अभी जो डिजीज पढ़ रहे हैं हम लोग, कलर ब्लाइंडनेस, वो डिजीज कौन सी है, वो डिजीज सेक्सलिंग है, मतलब ये डिजीज किस पे, ये जो अलील है ये एक्स एक्स और एक्स वाई पर म्यूटेशन हुई है, इसकी एक्स पर म्यूटेशन हुई है, एक एक्स पर किसी पर म्यूटेशन हो गई है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। ये हमने कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा है, इसमें ग्रेड और ग्रिड में पता नहीं चलता, ठीक है। तो अब ये मेल नॉर्मल है क्योंकि इस बेचारे के पास एक्सप्रेस करने के लिए यही बचा हुआ है, और कुछ है ही नहीं, तो ये यही एक्सप्रेस करेगा। तो ये जो मेल है ये डिजीज्ड होगा, ठीक है। अब ये कैरियर नहीं है, कैरियर इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें फीमेल में तो कैरियर इसलिए क्योंकि नॉर्मल वाला था, तो नॉर्मल ही इसको दिख रहा है, नॉर्मल कोई ये क्या करेगी, क्योंकि जो अल्टर हुआ है ना, जो बेटा चेंज हुआ है, जो चेंज हुआ है वो एक्चुअली में किस्मत की बात है कि हम कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। जो चेंज वाला है वो रिसेसिव वाला है, सीधी सी बात है, जो म्यूटेशन हुई है वो रिसेसिव, जो म्यूटेटेड है वो रिसेसिव है, वो हार जाएगा, और डोमिनेंट है वो जीत जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या है कि ये अपना एक्सप्रेस करेगा और ये अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो बीमारी आगे तो बढ़ाएगी पर शो नहीं करेगी, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो अपनी हेटरोजाइगस कंडीशन में, ये कंडीशन हेटरोजाइगस है, दोनों अलील अलग है, हेटरोजाइगस, ठीक है। और ये कंडीशन कौन सी है, होमोजाइगस, ठीक है। और एक्स वाई कभी होमोजाइगस होता ही नहीं, एक्स वाई हमेशा ही हेटरोजाइगस होता है, ये भी ध्यान रखना। होमो मतलब सेम, एक्स एक्स होमोजाइगस है, तो यहाँ इसके दोनों अलील सेम है। तो ये डिजीज है, ये बीमार है क्योंकि इसके पास ये रिसेसिव आया, रिसेसिव ही इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि रिसेसिव को छुपाने के लिए या रिसेसिव को हाइड करने के लिए इसके पास किसी भी तरीके का दूसरा अलील है ही नहीं, लेकिन इसके पास तो आ गया था, तो ये तो डोमिनेंट को शो कर रही है, जीतने वाले हमेशा जीतता है और ये हार जाएगा। तो ये वाली कुछ कंडीशंस रहती है जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि कौन सा शो करेगा कौन सा नहीं करेगा, ये केस वन है, ठीक है। मैं सबके आपको एक एक दो दो केस बताऊंगी। दूसरा हम लेते हैं केस टू, केस टू, ठीक है। केस टू में जो फीमेल है, ठीक है, वो फीमेल में ले रही हूं कैरियर, ठीक है, और फादर भी आई एम टेकिंग कैरियर, जो मेल है वो भी मैं कैरियर ले रही हूं, ठीक है। ये मेल भी कैरियर है। फर्स्ट केस में क्या था बेटा, देखो फर्स्ट जो केस हमने पढ़ा था उसमें फीमेल तो कैरियर थी लेकिन फादर क्या था, नॉर्मल था, ये नॉर्मल है हमारा, और ग्रीन वाला मैंने म्यूटेशन से बताया, ठीक है। यहाँ पर केस टू में जो मदर है
उसका वही कैरियर है, मतलब सबके हमारे सब एक्स एक्स फीमेल में होता है, तो ये जो मदर है ये खुद तो नॉर्मल दिखेगी बट शी इज अ कैरियर, बट खुद नॉर्मल है क्योंकि अपने खराब वाले को एक्सप्रेस नहीं होने देगी। और जो फादर है वो डेफिनेटली कैरियर नहीं है बल्कि वो डिजीज्ड है, क्योंकि बीमारी तो आके फैलाएगा, ये बात तो सही है, ठीक है, बीमारी तो फैलाएगा क्योंकि इसके पास यही है, इसे यही एक्सप्रेस करना है, क्योंकि इसके पास जो ये अलील आया है बीमारी का यही इसके एक्सप्रेशन जोन में जाएगा, इसको और दूसरी एक्सप्रेशन से, मतलब यहाँ पर जो ये फादर था तो इसके पास ये था, ठीक है, तो ये नॉर्मल था, इसको कोई बीमारी नहीं थी क्योंकि यही एक्सप्रेस करेगा, अब इसके पास ये वाला आ गया है तो अब इसे ये एक्सप्रेस करना है, तो ये क्या है, डिजीज्ड है, ठीक है, और मदर नॉर्मल है बट कैरियर है, आगे कैरी करेगी, तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉस करवा देते हैं। तो आपकी क्या केसेस आएंगे, केस आएंगे, ठीक है, हमारी बुक में एक केस दे रखा है वो भी ऐसे, तो केस आएंगे जो केस आपको समझने हैं, ठीक है। अब मैं ये ले रही हूँ एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्स वो तो ठीक है, एक्स वाई एंड एक्स वाई, ठीक है, नाउ आई एम गोइंग फॉर अलील, देखो ये वाले को और ये वाले को क्रॉस करवाया, तो एक तो ये आएगा, ठीक है, और दूसरा कौन सा आएगा, ये वाला, ठीक है, केस पे जाना, दूसरा वाला कंडीशन में क्या है, इस वाले को और इस वाले को अपन ले रहे हैं, तो अब क्या कंडीशन होगी बेटा, ये देखो अब ये दोनों पे आ गया इसके, ठीक है, तीसरी वाली कंडीशन पे एक्स वाई पे क्या हुआ, ये वाला एक्स लिया और ये वाला वाई लिया, वाई एक्स लिख सकते हो लेकिन एक्स वाई लिख दिया क्योंकि हम सब एक्स वाई में ही पढ़ रहे हैं, तो ये नॉर्मल आ गया, ठीक है, और फोर्थ केस में क्या हुआ, ये वाला वाई लिया और ये वाला एक्स लिया, तो एक्स पे क्या आ गया, डिजीज आ गई, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं, ये गर्ल है पक्की बात है, एक्स एक्स इज अ गर्ल, एक्स एक्स इज अ गर्ल, एक्स वाई इज अ मेल एंड एक्स वाई इज अ मेल, ठीक है, पर शी इज अ गर्ल और ये जो गर्ल है वो बिल्कुल अपनी मदर जैसी है, मतलब बाहर से खुद तो कैसे दिख रही है, नॉर्मल दिख रही है, बट ये कैरियर है, बीमारी आगे फैला रही, ठीक है, ये जो फीमेल है, ये फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट की इंपॉर्टेंस की, ठीक है, ये सॉरी हमने एक चीज पढ़ी थी बेटा, हमने क्या पढ़ा था कि मेल्स में ये बीमारी 8% होती है और फीमेल में 0.4% होती है, कितना डिफरेंस है, ठीक है, और फीमेल में ये बीमारी कब होगी, ये फीमेल जो है ये डिजीज्ड फीमेल है, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों पर रिसेसिव आ गया, अब इसको एक्सप्रेस तो यही करना है, दोनों है, दोनों सेम है, डोमिनेंट आया ही नहीं इसके पास, किस्मत है, इसके पास ये डोमिनेंट आ गया और इसके पास ये रिसेसिव आ गया, तो डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगी, इसे करना ही रिसेसिव, एक्सप्रेस ही रिसेसिव करना है, शी कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, नाउ अब क्या होगा, अब ये होगा केस टू में कि ये जो फीमेल है ये फीमेल कलर ब्लाइंड होगी और ये उन 4.4% केस में आएगी, यानी जो मेल्स होते हैं उनमें कलर ब्लाइंडनेस 8% होती है 100 में से 8 और जो फीमेल होती है उसमें कलर ब्लाइंडनेस 0.4% होती है, ठीक है, बहुत ही कम, ठीक है, देख लो आप कितना फर्क है, 0.4% 0.4%, ठीक है, तो ये कलर ब्लाइंड है ये फीमेल, ठीक है, फीमेल कलर ब्लाइंड कब होगी, ये क्वेश्चन आता है कि फीमेल कलर ब्लाइंड कब होगी, क्योंकि बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चीज है, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चीज है, ठीक है, आपको ऐसी फीमेल्स नहीं मिलेगी जो कलर ब्लाइंड है, मेल फिर भी मिल जाएंगे, तो ये कब हुआ है, ये तब हुआ है जब इसकी मदर को हो, मदर इज कैरियर, ठीक है, मदर कैरियर थी और फादर को भी था, मदर एक के साथ ही कैरियर होती है, फादर एक के साथ डिजीज होता है, तब ये कंडीशन पैदा होगी, ठीक है, एक लड़का है जो नॉर्मल है, बेटा नॉर्मल है इनका एक, ये और एक ये लड़का क्या है, इनका डिजीज्ड है, तो मदर दो के साथ, लड़की फीमेल जो है वो दो अलील के साथ डिजीज्ड होगी, दो अलील के साथ डिजीज होगी, एक अलील के साथ तो वो कैरियर डिजीज, मतलब इसको कलर ब्लाइंडनेस होगी, इसको पहचान में नहीं आएगा रेड और ग्रीन कलर, ठीक है, और जो लड़का होता है वो सिर्फ वन अलील के साथ भी डिजीज्ड हो सकता है, ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग थर्ड केस, ठीक है, फीमेल लेते हैं हम लोग, दोनों वाले पे ले लेते हैं, ये ले लिया, ये फीमेल का यही कंडीशन है, ठीक है, अब ये फीमेल किस टाइप की बेटा, ये फीमेल जो है ये डिजीज्ड है, ठीक है, इसको कलर ब्लाइंडनेस है अच्छी वाली,
और फादर भी ले ले डिजीज्ड या नॉर्मल ले ले, बोलो तुम बोलो मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, फादर कैसा लू, डिजीज्ड लू या नॉर्मल लू, फटाफट बताओ, हमारे पास दोनों ऑप्शन है फादर के, डिजीज्ड फादर ले या नॉर्मल फादर ले, जैसा तुम क्रॉस करने के लिए बोलोगे मैं वैसा ही कर दूंगी, ये तो बेचारा नॉर्मल है डिजीज्ड है और ये नॉर्मल है, नॉर्मल ले ले फादर, चलो नॉर्मल फादर लेते, ठीक है ये नॉर्मल फादर ले लिया, ठीक है। अगर मुझे डिजीज्ड फादर लेना होता तो मैं क्या करती, अगर डिजीज्ड फादर लेना होता तो क्या करते, ये कर देते, ये बेचारा एक के साथ ही डिजीज्ड है पर ये हमारे अभी काम का नहीं है तो हम इसे नहीं ले रहे, ठीक है, फादर हमने नॉर्मल लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको वापस क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा क्या है कि आप लोगों का कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जो एग्जाम्पल एक जो बुक में दे रखा है वो एग्जाम्पल नहीं आएगा, और नीट में तो वो एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो आपको हमेशा क्रॉस करना है, आपको कंडीशन दे दी जाएगी फादर ऐसा है तो मदर कैसा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि डिजीज्ड जो मदर है वो मदर दोनों पर है तब डिजीज कहला रही है, दोनों रिसेसिव आ गए तब ये एक्सप्रेस रिसेसिव ही करेगी, इसके पास अभी तक डोमिनेंट आ रहा था तो ये डोमिनेंट को ही एक्सप्रेस कर रही थी, और हमेशा क्या थी ये कैरियर थी, हर कंडीशन में ये कैरियर थी, लेकिन अब ये डिजीज्ड है, ठीक है चलो क्रॉस करते हैं, ठीक है एलील्स लगा देते हैं इसके ऊपर, फर्स्ट कंडीशन में ये नॉर्मल अलील है, सेकंड में भी ये नॉर्मल अलील है, थर्ड में अब ये दूसरी कंडीशन ले लो ये वाला, ठीक है ये इसके और इसके बीच में फर्स्ट में कराया और इसके और इसके बीच में करवाया, क्रॉस कराना तुमको आता है, ठीक है ये एक्स वाई और ये एक्स वाई, अरे बड़ी सारे दोनों लड़के इसके बीमार हो गए हैं, तो दोनों जो बॉयज हैं टू बॉयज आर डिजीज्ड, ठीक है ये बॉय ये बॉय, ये दोनों को डिजीज है, और ये दोनों जो गर्ल्स हैं ये दोनों गर्ल्स क्या हैं, कैरियर हैं, दोनों गर्ल्स क्या हैं, कैरियर हैं, ठीक है दीज टू गर्ल्स आर कैरियर, ठीक है ये केस हो गया। एक केस और ले लेते हैं, लास्ट फाइनल कर लेते हैं, ठीक है तो लास्ट केस में दोनों को मदर को मैं डिजीज करवा रही हूँ, डिजीज करवा रही हूँ, ठीक है। और क्या होता है कि ये कलर ब्लाइंडनेस लीथल नहीं है बेटा, लीथल नहीं है मतलब इससे कोई मरता नहीं है, ठीक है तो बस कलर पहचान में नहीं आते, शी इज अ डिजीज्ड फीमेल एंड फादर ले लेते हैं बीमार, ठीक है सारे यही कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या 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 कॉन्सिक्वेंसेस बैठते हैं, ये भी डिजीज्ड है, ठीक है क्रॉस करते हैं, इसको इससे करा रहे ठीक है, इसको इससे करवा रहे, क्रॉस कराना आता है तुमको एक्स एंड एक्स, अरे ये तो सारे ही सारे क्या हो गए हैं, डिजीज्ड हो गए हैं, मदर लड़कियां भी डिजीज्ड है सारी और लड़के भी सारे क्या है, डिजीज्ड है। तो ये जो हमारा पैटर्न था क्या पढ़ रहे थे हम लोग, हीमोफीलिया पढ़ रहे थे, सॉरी ये कलर ब्लाइंडनेस पढ़ रहे थे, ठीक है तो आप लोगों को पता चल गया। अब आप लोगों से क्वेश्चन आ सकता है कि सारे बच्चों को हीमोफीलिया है, सारे बच्चों को हीमोफीलिया, ठीक है तो चार बनाओगे, सारे बच्चों को हीमोफीलिया है ना, चार बनाओगे, ठीक है सारे ये सारे बच्चों को हीमोफीलिया है तो पेरेंट्स बताओ भाई कैसे होंगे, ये पूछा है इसमें, ठीक है तो चार ही बनाने हैं आप लोगों को, ठीक है। और जेंडर बेस्ड है पर क्योंकि गर्ल्स में कम हो रहा है पर ऐसा नहीं है कि गर्ल्स में नहीं होता, तो पर बहुत कम होता है, ठीक है तो जेंडर वाला है, सेक्स लिंक है, यानी इक्वल नहीं जाता है, रेशो में बहुत फर्क है, ठीक है ये है। तो ये देखिए आपको पता चल जाएगा कि फादर में कितने परसेंट है, और मतलब दो सब बच्चों में है, मतलब पेरेंट्स में पक्का होने वाला है, ठीक है तो इसको पकड़ने का एक मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि कैसे पकड़ते हैं, कि बच्चों से पेरेंट्स को कैसे पकड़ते हैं, पेरेंट्स से तो बच्चे पकड़ में आ रहे हैं ना, पेरेंट्स से तो बच्चे पकड़ में आ रहे हैं, ठीक है बच्चों से कैसे पेरेंट्स पकड़ेंगे ये मैं तुम लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी, लेकिन पहले बीमारी पढ़ लो सारी की सारी, उसके बाद मैं तुमको एक ट्रिक बताऊंगी, और अभी मैं एक नई डिजीज स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी तक तुमने क्या पढ़ा है कि पेरेंट्स से बच्चों का हम जेनेटिक्स पकड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों से पेरेंट्स के पढ़ने का ट्रिक बताऊंगी, लेकिन सारी डिजीजेस एक बार अच्छे से कर लो तो तुम्हें टाइम नहीं लगेगा।
अब हम दूसरी डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हीमोफीलिया। ठीक है, क्योंकि वो सब एक ही चलेगा कि बच्चों के जेनेटिक्स से कैसे पेरेंट्स का जेनेटिक्स पता लगाते हैं, वो तुम्हें सारे सब में एक ही केस अप्लाई करना है, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं उसके बाद अप्लाई करेंगे। ठीक है, हीमोफीलिया जो एक, ये भी कौन सी डिजीज है बेटा? सेक्स लिंक्ड डिजीज है। ठीक है, सेक्स लिंक डिजीज का क्या मतलब होता है? यानी एक्स एक्स और एक्स वाई से इसका रिलेशन है। ये ऑटोसोमल नहीं है, मतलब वो जो 22 जो हमारे क्रोमोसोम है ना, जो मेल फीमेल में सेम होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें सेम होती है, कुछ चीजें अलग होती है, कुछ चीजें सेम होती है। ठीक है, तो ये जो 22 होते हैं ये ऑटोसोम कहलाते हैं। ठीक है, जो सेम है, सबके अंदर सेम होते हैं। ठीक है, तो सेक्स लिंक्ड है। और दूसरी बात, ये सेक्स लिंक कैसी है? ये रिसेसिव है। ठीक है, रिसेसिव का मतलब सेक्स लिंक तो जेंडर पे बेस्ड है, पहली चीज। ठीक है, मतलब एक्स एक्स और एक्स वाई से इसका रिलेशन है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज रिसेसिव है। रिसेसिव होने का क्या मतलब है? जो म्यूटेट हुआ है ना, जो अलील म्यूटेट हुआ है, नॉर्मल से जो म्यूटेट हुआ है, वो म्यूटेट के सामने जो म्यूटेट हुआ है वो रिसेसिव रहेगा। इसका मतलब जो नॉर्मल था, जो नॉर्मल था वो तो डोमिनेंट है। ठीक है, और जो म्यूटेट हुआ है, जो बदला है, वो रिसेसिव। ये तो बहुत अच्छी बात होती है हमेशा, खराब चीज जो है म्यूटेट हुआ है, क्योंकि हम, हमें म्यूटेशन अच्छी भी हो सकती है, लेकिन हम अभी बीमारी वाले म्यूटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं। तो जो चीज खराबी में बदली वो एटलीस्ट रिसेसिव तो है, कम से कम वो हारने वाली चीज तो है, ये हार जाएगा। ठीक है, डोमिनेंट के कंपेरिजन में ये हार जाएगा। अब हम देखते हैं इसका क्या पैटर्न रहता है और क्या बीमारी होती है। देखो, ये हीमोफीलिया में क्या होता है बेटा? ब्लड का क्लॉट नहीं बनता। आपने 11th क्लास में पढ़ा, ब्लड का एक क्लॉटिंग होता है, जब हमें चोट लग जाती है या हमारा खून निकल जाता है, तो ऑटोमेटिकली एक बहुत लंबा तुम लोगों ने पाथवे पढ़ा था। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का पाथवे पढ़ा था, ये फैक्टर आता है, वो फैक्टर आता है, फाइनली हमारा ब्लड क्या होता है, वाउंड के आगे वो फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन और ये सारी चीजें तुमने पढ़ी है, तो एक पूरा पाथवे चलता है जिससे हमारा ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हीमोफीलिया है ये सेक्स लिंक है, और पक्की बात है मेल्स में होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, और फीमेल्स में होता है कम। ठीक है, या ना के बराबर, नेग्लिजिबल। ठीक है, वही केस चलेगा सिकल सेल एनीमिया वाला। तो क्लॉट जो है वो नहीं बनता है, मतलब खून निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। तो मेल्स में होता है, फीमेल में नेग्लिजिबल अमाउंट है। ठीक है, नेग्लिजिबल होता, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट नेग्लिजिबल है। ठीक है, और मेल्स में बहुत अच्छा अच्छा अमाउंट में वही मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई मेल्स वगैरह होते हैं तो इनको जैसे किसी भी वजह से चोट लग गई, ठीक है, बच्चों से लेकर ही शुरू हो जाता है, जब से आपके जायगोट है तब से चीजें शुरू हो जाती है। तो चोट लग जाने के बाद इनका ब्लड क्या है, कंटिन्यूअसली निकलता ही रहता है, और ब्लड रोकने के लिए फिर इनको इंजेक्शन देना पड़ता है मेल्स को। लेकिन हम लोग, लेकिन गर्ल्स में क्या होता है कि, या नॉर्मल मेल्स, ठीक है, जो नॉर्मल मेल्स हैं या जो नॉर्मल गर्ल्स हैं, फीमेल्स की बात में कर ही नहीं रही क्योंकि फीमेल्स में बहुत कम होती है बीमारी, तो जो मेल्स में जो होती है तो उनको खून इंजेक्शन देना पड़ता है, तब जाके उनका क्लॉट बनता है बॉडी का, नहीं तो खून निकलता जाएगा। छोटी मोटी चोट की बात कर रही हूँ, ठीक है, कभी गिर गए, कभी कोई कट लग गया, ठीक है, छोटा मोटा, तो हमें पता है कि नॉर्मल क्लॉट बनता है। तो बाकियों में तो नॉर्मल बन जाता है, ऑटोमेटिकली नॉर्मल क्लॉट बन जाता है, 2-3 मिनट में, 5 मिनट में तो बन ही जाता है, ऑलमोस्ट पूरा क्लॉटिंग हो जाती है बाहर, और ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। मैं माइनर बात कर रही हूँ, मेजर बात नहीं कर रही कि मेजर इंजरी हो गई तो। ठीक है, तो इनमें ये कैस्केड जो है, पूरा ब्लड जो होता है, ब्लड क्लॉट बनने का जो पाथवे होता है, ठीक है, वो पाथवे में एक चीज प्रेजेंट नहीं होती है, और नॉन स्टॉप ब्लीडिंग क्या है उसके अंदर होती रहती है। तो यहाँ पर हम लोग फिर वही केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये एक्स पर प्रेजेंट है, और तो ये चीज रिसेसिव है, मतलब वही बात आ रही है कि किसी यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये वही है, वही सेम चीज चल रही है। अलील्स होंगे तो अलील्स देखते हैं मदर क्या है और फादर क्या है, तो इस तरीके के हम अलील्स देखते हैं कि क्या कंडीशन क्रिएट होगी। ठीक है, तो हम केस ले लेते हैं। अब हम दो ही केस लेंगे, पहले हमने 4 लिए थे क्योंकि केस सॉल्व करना तुमको आ गया है। मैं फर्स्ट केस ले रही हूँ, और फर्स्ट केस में मैं फीमेल को बता रही हूँ, शी इज अ कैरियर। ठीक है, और फादर जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, शी इज अ कैरियर।
एंड फादर इज नॉर्मल. ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा? वही कंडीशंस है. ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये मेल है एंड ये भी मेल है. ये फीमेल नॉर्मल है, ये फीमेल वापस कैरियर हो गई, ये मेल नॉर्मल है और इस मेल को बीमारी होगी. वही है, एक्सप्रेशन की बात हो रही है, एक्सप्रेस नहीं हो पाता है. ठीक है, अब मैं दूसरा केस ले रही हूँ जो बहुत ही रेयर केस है. ठीक है, केस नंबर टू. ठीक है, मैं केस ले रही हूँ जिसमें इसकी जो मदर है she is hemophilic carrier, मदर इज हीमोफिलिक कैरियर एंड फादर इज हीमोफिलिक. ठीक है, फादर इज हीमोफिलिक, दिस इज द कंडीशन. ओके, सो मदर इज कैरियर ऑफ कोर्स एंड फादर इज डिजीज्ड. ठीक है, और आज तुम लोग ये पढ़ोगे घर पे, हमारे बुक का ही है, एनसीईआरटी का ही है. मैंने थोड़ा सा एग्जांपल ज्यादा दे दिए हैं, केस मैंने बता दिए तुम लोगों को, क्योंकि बुक में कोई एग्जाम में एग्जांपल ऐसे तुमसे क्रॉस एक्सपेक्ट करता है. बुक में क्रॉस नहीं है, ये ध्यान रखना बेटा. यू कैन नॉट फाइंड क्रॉस इन योर टेक्स्ट बुक. बुक में कोई क्रॉस नहीं है, वो डायरेक्ट रिजल्ट बता रहे हैं अपनों को. ठीक है, एनसीईआरटी अंकल जी जो है वो अपनों को डायरेक्ट रिजल्ट बताते हैं अपनों को. वो ये नहीं कहते कि तो आप लोगों को रिजल्ट्स खुद पढ़ने हैं. ठीक है, अब ये देखो बेटा, इन दोनों का देखो. ठीक है, अब बाकी में मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मेरा इसमें कंसर्न है. ठीक है, ये जो फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल डिजीज्ड है, क्योंकि पहले तो क्या था, वही था, ये रिसेसिव था और ये डोमिनेंट था. हमने यही पढ़ा है कि ये जो बीमारी है हीमोफीलिया, इसके अंदर जब क्लॉट नहीं बनता है तो ये जो अल्टर्ड अलील है, जो म्यूटेटेड अलील है, वो रिसेसिव है. यही हमने पढ़ा था, यानी बदला है, जो चीज बदल गई है वो कमजोरी पर है. ठीक है, वो हार जाएगी. तो ये रिसेसिव कभी फीमेल एक्सप्रेस होने ही नहीं देती अपना, क्योंकि इसके पास डोमिनेंट है. ठीक है, और मेल के पास तो ये तो बेचारा यही एक्सप्रेस होने देगा. अब फीमेल की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये फीमेल क्या है, डिजीज्ड है. ठीक है, इसके दोनों पर ये आएगा, लेकिन बिकॉज अब दोनों पर आ गया है तो अकेले पर आया है तो कोई प्रोटीन जो चीज प्रॉब्लम दे रही है वो देगी तो सही, लेकिन अकेला है ना ये, एक अकेला है ना, तो प्रॉब्लम तो दे रही है लेकिन लेस प्रॉब्लम है. ठीक है, लेस प्रॉब्लम है. लेस प्रॉब्लम मतलब इसके पास कोई क्लोटिंग की प्रॉब्लम है लेकिन कम है, क्योंकि अकेला है. ठीक है, एक जना मार रहा है मिलके इसको. ठीक है, यहाँ पर ये इसको एक्सप्रेस ही नहीं होने दे रही तो अपना नॉर्मल बना रही है, लेकिन इस बिचारी के साथ इतनी प्रॉब्लम है, क्योंकि बन तो रहा है लेकिन डबल बनेगा. देखो, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, तो जो भी चीज बन रही है इसको दो जने मिलके मार रहे. सीधी सी बात है कि तुम एक जना मारे जो तुमसे पावरफुल है तो मार खानी है, लेकिन दो जने अगर मार रहे हैं जो तुमसे पावरफुल है तो क्या होगा ये बताओ. एक जना मार रहा है और एक जना तुम्हारा दुश्मन है. ठीक है, तो तुम्हें दुश्मन के साथ रहना, तो पूरी जिंदगी कमजोरी के साथ रहोगे. रोज मार रहा है वो, रोज मार रहा है, लेकिन हमें वीकनेस आ रही है. हाँ, रोज मार के जा रहा है, इंजरी देके जा रहा है. ठीक है, पर ये अकेला है. ठीक है, वैसे के वैसे दो मिल जाए तो मारेंगे तो दोनों, लेकिन दोनों के मार खाने से आदमी मर जाएगा. तो ऐसे जो फीमेल्स है, बिकॉज हीमोफीलिया जो है ये कंडीशन है बेटा हेटरोजाइगस. ठीक है, ये कंडीशन क्या है, होमोजाइगस. ठीक है, और नॉर्मल फीमेल हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये भी होमोजाइगस है. होमो मतलब सेम, और मेल का एक्स वाई क्रोमोसोम कभी होमोजाइगस होता ही नहीं. मेल का एक्स वाई क्रोमोसोम जो है वो हमेशा हेट्रो में ही जाता है. मेल का ये लास्ट क्रोमोसोम हेट्रोजाइगस, हेट्रो ही है, दोनों अलग है ना. ठीक है, क्योंकि दोनों अलग है तो दोनों पर ये इसका कभी मैचिंग एक्स पे जो अलील होगा ना, मतलब हम ये पढ़ रहे हैं ना कि दोनों पे ऐसे मैचिंग अलील होते हैं. हाँ, एक आई ब्लू कलर की होगी, एक ग्रीन कलर की होगी, पर होगी तो आई. तो यहाँ पर ये मैचिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि एक्स वाई अलग अलग होते हैं. ठीक है, वो तुम कभी आगे पढ़ोगे, बहुत आगे जेनेटिक्स पढ़ोगे तो क्या होता है वाई पे. ठीक है, मतलब इसके कंपैरिजन में क्या आता है वो सब बाद में पढ़ोगे.
अब इसको दो डबल प्रोटीन बन रहा है, ब्लड क्लोट नहीं होने का प्रोटीन इसके अंदर कौन सा बन रहा है, डबल। ठीक है, तो ये जो फीमेल्स है ये फीमेल्स आगे जाकर के सरवाइव नहीं करती, इनकी बहुत कम एज में ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, इनको बहुत भारी प्रॉब्लम है क्योंकि क्लॉटिंग नहीं होने की जो चीज बन रही है वो डबल बन रही है इनके साथ। ठीक है, तो ये फीमेल्स क्वेश्चन है हमारी बुक में कि ऐसे फीमेल्स कब बनेगी जो डिजीज्ड हो, तो ये फीमेल्स बनेगी जब मदर के साथ भी प्रॉब्लम हो, फादर के साथ भी प्रॉब्लम हो। ये फीमेल मैं आगे कभी क्रॉस में नहीं लूंगी, ठीक है, आई विल नेवर टेक दिस फीमेल फॉर माई फर्दर क्रॉसेस, ये क्रॉस कभी नहीं करूंगी मैं। क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि ये फीमेल इस लायक नहीं बचेगी कि अपने प्यूबर्टी तक पहुंचे और आगे फर्टिलाइज आगे मतलब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे, ये इस फीमेल की ताकत नहीं है या इस फीमेल की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये ध्यान रखोगे कि आप कभी भी हिमोफीलिया समझाओ, ठीक है, तो ये केस आ सकता है, शी कुड बी अ चाइल्ड, एक बच्ची हो सकती है, लेकिन ये बच्ची आगे जाकर के रिप्रोडक्शन की एज तक जिंदा नहीं रहेगी, ये मर जाएगी, इस केस को ध्यान रखना। जो हमारी कलर ब्लाइंडनेस थी, जो हमने कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था, ठीक है, दिस वाज फॉर अवर कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये कलर ब्लाइंडनेस का केस था, कलर ब्लाइंडनेस का, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस के केस में क्या होता है बेटा, ये लीथल नहीं है, ठीक है, लीथल मतलब हाँ प्रॉब्लम तो दे रहा है लेकिन कलर ब्लाइंडनेस से, कलर्स को नहीं पहचानने से कोई मर थोड़ी जाएगा उसको, हाँ उसको पता नहीं चल रहा है, सीधी सी बात है, उसको नहीं पता चल रहा, तो ये कोई इसको कोई डेथ नहीं होगी, ये सरवाइव कर जाएगी, कोई बात नहीं, चल जाएगी, जिंदा हो जाएगी 0.4% में, ठीक है, 0.4% में। तो बट ये जो हीमोफीलिया है, ये हीमोफीलिया जो है, ठीक है, हीमोफीलिया का ये केस्केड है, और ये हीमोफीलिया मैं बता रही हूँ, ये जो बीमारी है, ये बीमारी अगर इस कंडीशन पर आ जाए तो ये बीमारी होती है लीथल, ठीक है, इसमें डेथ कॉज होने के चांसेस रहते हैं। तो कुछ जैसे एनीमिया था, वो भी दोनों अगर दोनों रिसेसिव आ गए तो डेथ होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, तो इसको कभी भी क्रॉस में आप नहीं लोगे, ठीक है। आप अगर कोई केस बनाना चाहते हो, वॉट एवर केस हो गए, और आपको कोई केस पूछा भी जाता है और ये कह दिया कि मदर जो है वो हेटरोजाइगोटिक रिसेसिव, होमोजाइगोटिक रिसेसिव, होमोजाइगोट मतलब होमो मतलब दोनों सेम है, तो मदर जो है वो होमोजाइगोटिक रिसेसिव नहीं हो सकती हीमोफीलिया के केस में, ठीक है, क्योंकि ये बनेगी लेकिन अपनी प्यूबर्टी आने से बहुत पहले क्या हो जाएगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी, इसको कभी क्रॉस में मत उतार लेना, क्वेश्चन बनाने के लिए आएंगे केस के केस बनाओ तो ये केस नहीं बनाना, ठीक है, हीमोफीलिया का हेट्रो होमोजाइगोटिक रिसेसिव मदर नहीं बनानी आपको, ठीक है। ये जो डिजीज है हीमोफीलिया, और बेहतर वही रहेगा कि आप लोग अपनी तरफ से क्रॉस बना लो, ध्यान रखो अपनी तरफ से क्रॉस बनाना स्टार्ट कर दो, दो दो चार चार क्रॉस बन गए तो तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आज ही क्रॉस बना लेना, ठीक है। हीमोफीलिया जो है, क्योंकि हम जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, हम खानदानी बीमारियां पढ़ रहे हैं, तो जो ये जो हीमोफीलिया डिजीज है, ये जिसको कहते हैं ना रॉयल डिजीज है, ठीक है, रॉयल रॉयल डिजीज है, ठीक है, राजाओं की या वो बीमारी है। क्यों बीमारी है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस, खानदानी बीमारी, ठीक है। अगर मैं आगे इनको क्रॉस में लगा दूं सबको, ठीक है, इसको छोड़ के, ठीक है, ये केस हमारी बुक में मेंशन है, ठीक है, हमारी बुक क्या कह रही है कि ऐसी फीमेल आगे अपनी लाइफ की लेटर स्टेजेस तक सर्वाइव नहीं करेगी, ठीक है, ये हमारी बुक में लिखा हुआ है। तो ये इसलिए क्योंकि बेचारी को डबल अमाउंट में खराब प्रोटीन बन गया, बाकी सब सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है आप लोगों को कि हम पी डिग्री पढ़ रहे हैं और आप इनमें से किसी को भी, ये F1 जनरेशन आई हमारी, ये सारी कौन सी जनरेशन थी, ये F1 जनरेशन थी, आपसे पूछ लिया इनमें से किसी को उठा के आगे ले लो, ठीक है, ये आगे ले लो, आप इसमें से किसी को आगे ले लो, आप इसमें से किसी को आगे ले लो, आप किसी को भी आगे ले सकते हो, आगे आप नया क्रॉस करवा सकते हो, इसको करवा लो, इसको करवा लो, ठीक है, लड़की ले रहे हो तो आगे मेल लेना है हस्बैंड, और ये ले रहे हो तो इनकी मेट लेनी, वाइफ लेनी, तो जो भी आपको करना है, ठीक है। तो जो हम बीमारी पढ़ रहे हैं, हम पी डिग्री पढ़ रहे हैं, पी डिग्री मतलब खानदान में कैसे बढ़ती है, हम एनालिसिस कर सकते हैं, डेफिनेटली हम लोग इस बीमारी का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है।
तो कई जगह पर जो लोग अच्छे पढ़े लिखे होते हैं या समझदार होते हैं और उनमें से किसी को कोई बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर, तो वो मैरिज से पहले डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं कि जिससे मुझे मैरिज करनी है क्या उसको ये बीमारी है या नहीं है, क्योंकि दो हीमोफीलिया वाले मिलकर बेटा तो बहुत खतरनाक काम हो रहा है। देखो, दो हीमोफीलिया वाले मिल गए, ये हीमोफीलिया वाला मिला और एक ये हीमोफीलिया वाला मिला, ठीक है, तो इनके सारे बच्चों में बीमारी होगी और एक लड़की तो डेफिनेटली बीमारी से मर जाएगी, ठीक है। और सपोज करो यही फर्स्ट चाइल्ड हुआ या यही कॉम्बिनेशन बनते रहे, बार बार यही कॉम्बिनेशन बनते रहे, तो इनकी तो आगे सर्वाइवल होगा नहीं। तो इसलिए डॉक्टर की, अगर ऐसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए कि आगे क्या जेनेटिक्स बैठेगा, कितनों को बीमारी होगी, कितनों को नहीं होगी, ठीक है। और बहुत सारे फीमेल्स होती हैं कैरियर, जो कलर ब्लाइंडनेस की हम बात कर रहे थे, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये बहुत सारे फीमेल्स कलर ब्लाइंडनेस में कैरियर होती है लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता, ठीक है। बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस का अंदर कैरियर है लेकिन उनको पता नहीं चल रहा, तो अब नहीं पता चल रहा अंदर से तो बाहर से कौन जाके पता चलवा रहा है, ठीक है। लेकिन समझदार लोग क्या करते हैं कि एक बार चेकअप करवा लेते अपना कि आगे मेरे जेनेटिक्स में मेरी प्रोजेनी को बीमारी है कि नहीं, अब ये तो ये हो गई और अगर मेल में भी ये प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। व्हाई डिड आई टुक दिस, दोनों को तो मुझे ये लेना चाहिए था शायद, तब होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये फीमेल है और पता नहीं है ना लोगों को, नहीं सही है, ठीक है, ठीक है। तो इसको अगर प्रॉब्लम है और इसको प्रॉब्लम है और ठीक है, और अगर ये वाली कंडीशन पर आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, सबको बीमारी हो जाएगी। तो ये तो कलर ब्लाइंडनेस की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन हीमोफीलिया तो डेथ कॉज कर सकता है, तो इसलिए पता पूछ लेना चाहिए, पहले टेस्ट करवा लेना चाहिए, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज में करवाते हैं, हमारे इधर चलन नहीं है, हमारे इधर तो क्या होगा बेटा, और बताती हूँ, किसी को पता भी चल गया ना तो क्या बोलेंगे, अरे चुप रे चुप रहने दे यार, क्या है मत बता, ठीक है, मत कंसल्ट करो ना डॉक्टर से, क्या 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 हो जाएगा, क्या क्या फर्क पड़ जाएगा, डॉक्टर से कंसल्ट मत करो, ठीक है। अगर किसी बॉय को है तो क्या बोलेंगे, क्योंकि बॉय की तो पता चल जाती है, तो क्या बोलेंगे फैमिली वाले, अरे यार लड़की दहेज बहुत दे रही है, तो अपन क्या करते, मत बताओ रहने दो, उसको होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसके होने से बहुत फर्क पड़ रहा है, आगे जिंदगियों पर फर्क पड़ रहा है, क्या बोलेंगे, नहीं यार पैसा बहुत है लड़की के पास, छोड़ो तुम मत बताओ कि तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस है। अब ये प्रॉब्लम नहीं है कि कलर ब्लाइंडनेस एक डिफेक्ट है, प्रॉब्लम ये है कि आगे प्रोजेनिस को वो चीज सर्वाइव करनी है। अगर नॉर्मल फीमेल होती तो ये शायद बीमारी आगे भी नहीं बढ़ेगी, बहुत कम बढ़ेगी, चांसेस भी कम है, लेकिन फीमेल को हो गई तो क्या करेंगे, तो कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये जो बीमारी है ये रॉयल डिजीज है, हीमोफीलिया राजाओं की बीमारी है। क्यों है राजाओं की बीमारी, बिकॉज हम लोग पढ़ रहे हैं पे डिग्री, ठीक है। तो ये जो बीमारी थी ये रिसर्च करी गई और देखा गया, ये क्वीन विक्टोरिया, पता है तुमको, मेरे को बताओ कौन है क्वीन विक्टोरिया, नाम तो सुना होगा, बताओ, सुना है कभी नाम विक्टोरिया का, हैव यू एवर हियर्ड अबाउट दिस, कौन है क्वीन विक्टोरिया, रानी, नहीं सुना, कभी नहीं सुना आप लोगों ने नाम इनका, इंग्लैंड की क्वीन है, ठीक है। तो ये राजाओं की बीमारी है, मतलब क्वीन विक्टोरिया की पी डिग्री में, मतलब क्वीन विक्टोरिया के खानदान में हीमोफीलिया जो बीमारी थी वो बीमारी प्रेजेंट थी, इनके पी डिग्री एनालिसिस में हीमोफीलिया की डिजीज मौजूद थी। दैट्स व्हाई हीमोफीलिया इज आल्सो नोन एज रॉयल डिजीज, मतलब हर किसी नॉर्मल इंसान को तो होती ही है लेकिन राजाओं के खानदान में भी ये बीमारी पहुंच गई है, मतलब पहुंची थी तो उसी से एनालिसिस करा है, ठीक है। तो ये बीमारी उन लोगों को प्रॉब्लम थी, मतलब क्लॉट्स नहीं बनते थे, फीमेल्स में तो दिखेगा ही नहीं कि क्लॉट नहीं बन रहा, क्योंकि वो बेचारी बहुत पहले ही मर जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा यंग एज तक आते आते कि इसमें क्लॉट नहीं बन रहा, मेल्स में शो होता है ये चीज, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दो बीमारी, ठीक है। अब ये हो गई है दो बीमारी, कौन कौन सी, एक तो बीमारी आपने पढ़ी है कलर ब्लाइंडनेस और एक आपने हीमोफीलिया पढ़ी है, दोनों जेंडर बेस्ड है, एक्स 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 वाई और दोनों रिसेसिव है, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हम ऑटोसोमल डिजीज पढ़ेंगे, ठीक है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं बेटा मेंडल की, हमने एक चीज पढ़ी थी कि हम मेंडल की डिजीज, एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर था और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर था मतलब कोई एक जीन में गड़बड़ हो गई है, किसी एक जीन में गड़बड़ हो गई है, वो हम पढ़ रहे थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर ही पढ़ रहे हैं हम, जेनेटिक डिजीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्रोमोसोम के
क्रोमोसोम के अल्टरनेशन की वजह से या क्रोमोसोम के बदलाव की वजह से जो जेनेटिक डिजीज पैदा होती है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, पहले ये निपटाएंगे हम लोग। और अभी हम वो डिजीज पढ़ रहे हैं जिसमें से हमने जो डिजीज पढ़ ली है, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ ली और हीमोफीलिया पढ़ ली है, दोनों सेक्स लिंक्ड हैं, ये ध्यान रखोगे। बहुत अच्छी बात है कि सेक्स लिंक्ड दो ही हैं हमारे, तो दोनों में और दोनों रिसेसिव हैं, इसलिए ज्यादा तुमको ध्यान नहीं रखना कुछ भी, ठीक है। तो ये हमने दो पढ़ी है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। आज तुम लोग क्रॉस बनाओगे, मैं दो तीन क्रॉस की फोटोज भेज दूंगी आप लोगों को, क्रॉस बना बना के देखना, ठीक है। कम पढ़ के आगे बढ़ने से अच्छा है कि जो चीज पढ़ो वो ज्यादा परफेक्ट लिखा लो, ठीक है। रॉयल डिजीज के नाम से क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास हमेशा, ठीक है। सो आई एम फिनिशिंग माई क्लास, कोई प्रॉब्लम हो, कोई एक्स्ट्रा चैप्टर स्कूल में पढ़ाए जा रहे हो, कोई चैप्टर तुमको एक्स्ट्रा पढ़ने हो तो जस्ट इन्फॉर्म मी, मैं वो पहले करा दूंगी, नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास लेके पहले करा दूंगी, ठीक है। और संडे को मैं नीट का पेपर करवाने वाली हूँ तो मेरे को बता दो, मैं वीकडेज नहीं बिगाड़ूंगी। संडे को अगर अवेलेबल हो तुम लोग आ सकते हो तो मैं संडे को नीट का पेपर करा दूंगी, मुझे